चार दोस्त। एक बार चार दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों पूरी पूरी रात पार्टी करते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी वह पार्टी कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो टीचर के पास जाकर उनसे झूठ कहेंगे और एग्जाम बाद में कभी दे देंगे। पार्टी करने बाद दूसरे ही दिन चारों टीचर के पास गए और टीचर से झूठ बोलने लगे कि कल रात हम एक शादी में गए थे और शादी से घर लौटते समय हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था, इसीलिए हमें गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लेके आना पड़ा। हम कल रात इतना थक गए थे कि आज एग्जाम देने की हालत में नहीं है, तो क्या हम एग्जाम बाद में दे सकते हैं? टीचर ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि तुम एग्जाम कल दे सकते हो। चारों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और घर जाकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे दिन चारों एग्जाम देने पहुंचे। टीचर ने उन्हें अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो ही प्रश्न थे, पहला तुम्हारा नाम क्या है और दूसरा कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हो गया था। चारों ने झूठ कहा था, इसीलिए चारों के उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, इसीलिए हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए।